आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। पितृमोक्ष अमावस्या बुधवार 2 अक्टूबर 2024 को मनाई गई। इस अवसर पर पुण्य सलिला बैनगंगा के लखनवाड़ा घाट पर भंडारे का आयोजन भी किया गया। बहुत सारे लोगों ने मिलकर लगभग 3000 से ज़्यादा लोगों को भंडारे का प्रसाद खिलाया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। शिव की नगरी सिवनी और सिवनी में पुण्य सलिला बैनगंगा का उद्गम सिवनी शहर से लगभग 12 किलोमीटर दूर मुंडारा से और कुछ दूरी तय करने के बाद मुंडारा से पुण्य सलिला बैनगंगा पहुंचती है। लखनवाड़ा घाट लखनवाड़ा के ग्राम के समीप लखनवाड़ा घाट स्थित है और लखनवाड़ा घाट पर लगातार 15 दिनों तक पितरों के तर्पण का कार्य जारी रहा। पितृमोक्ष अमावस्या पर सुबह से पितरों का तर्पण पिंडदान का कार्यक्रम यहां पर विद्वानों के द्वारा कराया गया। ये आप देख सकते हैं सुबह सवेरे का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। सूर्योदय के समय बुधवार 2 अक्टूबर 2024 का ये नज़ारा आप यहां पर देख रहे हैं। इसके बाद दोपहर तक ये कार्यक्रम चलता रहा और दोपहर के उपरांत यहाँ भंडारे का भी आयोजन किया गया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। यहाँ देख सकते हैं ये सारे लोग यहाँ पर भंडारे के पूर्व पितरों का तर्पण और पितरों को जल देने का कार्य यहाँ करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। ये अब हम आपको दिखा रहे हैं, ये भंडारा यहाँ पर किया गया और भंडारा किस तरह से लोगों को खिलाया गया। देखिए भंडारे में छोटे से बच्चे भी, यहाँ छोटे छोटे बच्चों के द्वारा भी इसमें सेवा कार्य किया गया। पुण्य सलिला पैनगंगा का ये लखनवाड़ा घाट, यहाँ पर श्रद्धालु आते रहे, आकर के भंडारा ग्रहण करते रहे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। और बैनगंगा के तट पर गंदगी ना फैले, इसलिए जिनके द्वारा यहां भंडारा कराया गया, जिनके द्वारा तर्पण किया गया, जिनके द्वारा पिंडदान किया गया, वे लोग लगातार यहां पर जो खाली प्लेट पत्तलें आदि थी, उन पत्तलें आदि को बटोर कर के द्वारा यहाँ घाट की सफाई भी की गई। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। भंडारे का आयोजन बहुत श्रद्धा भाव से किया गया, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। और जितने भी लोगों के द्वारा इसमें सहभागिता की गई, उनके द्वारा सहभागिता सिर्फ नाम की सहभागिता नहीं थी, सक्रिय सहभागिता यहाँ पर दिखाई दे रही थी। ये सहस्त्र बाहु पीपल का वृक्ष आपको दिखाई दे रहा होगा और सहस्त्र बाहु पीपल के वृक्ष के नीचे भंडारे का आयोजन किया गया पुण्य सलिला बैनगंगा के मुहाने पर। ये आपको हम यहाँ पर नज़ारा दिखा रहे हैं, नज़ारा आप देख सकते हैं कि किस तरह का यहाँ आपको ये नज़ारा दिखाई दे रहा होगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। ये जो आप सारे नज़ारे देख रहे हैं SB डिजिटल के द्वारा, जो लखनवाड़ा के SB डिजिटल हैं उनके द्वारा ये हम मुहैया कराए गए हैं। इन्हें हम आपको दिखा रहे हैं। रात के समय दीपदान का यहाँ पर नज़ारा आप देख रहे होंगे। रात में दीपदान करते हुए यहाँ पर लोग आपको दिख रहे होंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। दीपदान के संध्या की बेला पर दीपदान का आयोजन किया गया। बहुत अद्भुत अभिनव और नयनाभिराम दृश्य दिखाई दे रहा था। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हैं तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये सारी खबरें कैसी लग रही हैं। बैनगंगा का पुण्य सलिला बैनगंगा का लखनवाड़ा तट, यहाँ दीपदान जारी रहा देर रात तक। अगर आपको ये खबरें पसंद आ रही हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।